हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने बहुत बड़ा रोल भारत के स्वाधीनता आंदोलन में किया और फिर भारत के आज़ाद होने के बाद भी वो पॉलिटिक्स और एजुकेशन में बहुत एक्टिव रहे। मैं बात कर रहा हूँ कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी का, जो के.एम. मुंशी के नाम से प्रसिद्ध है। इनका जन्म 29 दिसंबर 1887 को भरूच गुजरात में हुआ था। भरूच में ही वे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बड़ोदरा चले गए, जहां उनके गुरुओं में से एक गुरु सुप्रख्यात कवि, दार्शनिक तथा महायोगी अरबिंदो घोष थे। पेशे से वकील मुंशी ने अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें से उस राष्ट्रीय ध्वज समिति का सदस्य भी रहे जिसने वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को चुना। ये भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में कार्यरत भारतीय संविधान कमेटी के सदस्य भी रहे। राजनेता तथा लेखक होने के साथ साथ पर्यावरणविद भी थे। इनका हिंदी और देवनागरी लिपि को भारत के संविधान में राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान था और इन्हीं के प्रेरणा से 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष आज भी हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1949 में हैदराबाद में ये एजेंट जनरल के रूप में भारत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ वहाँ कुछ दिन इन्होंने बिताए थे। बाद में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति बन गए और उन्होंने जो पद खाली किया था वे पद था कृषि और खाद्य मंत्री का, उस पद पर के.एम. मुंशी साहब फिर भारत के कृषि और खाद्य मंत्री बने। उस समय कृषि और खाद्य विभाग के साथ ही पर्यावरण और वाणिकी का भी था, उसमें उन्होंने बहुत बड़ा ही काम किया था और उन्हीं के काम से, उन्हीं के योगदान से और उन्हीं के प्रेरणा से आज प्रत्येक वर्ष जुलाई में वन महोत्सव मनाया जाता है। उन्होंने बहुत पेड़ लगाने पर उस समय जोर दिया था। 1952 से 1957 तक वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे और फिर कांग्रेस से इनकी दूरियां बढ़ गई थी वैचारिक रूप से। तब वे 1959 में उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और फिर स्वतंत्र पार्टी में शामिल हो गए। के.एम. मुंशी ने 1938 में भारतीय विद्या भवन का स्थापना किया। 1938 में के.एम. मुंशी साहब और इनके तीन और दोस्तों ने मिलकर एक 250 रुपये प्रति के हिसाब से एक सहयोग राशि जमा करते थे और उसी से भारतीय विद्या भवन को शुरू के दिनों में चलाया था। आज विश्व में भारतीय विद्या भवन के 120 केंद्र हैं और 350 से अधिक शैक्षिक संस्थान हैं। आज ये बड़े इंस्टीट्यूशन के रूप में स्थापित हो गया है। ये बड़े लेखक थे हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी में। इन्होंने 100 से भी अधिक ग्रंथों का रचना किया था। 8 फरवरी 1971 में के.एम. मुंशी साहब का देहांत हो गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आलम टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें।